अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? तो बात कुछ यूं है कि हमारे बच्चों की चल रही थी ऑटम ब्रेक और इन वेकेशंस पे मैंने और कोई काम नहीं किया सिवाय दो बंदों के दरमियान रेफरी बनने के तो छोटे छोटे बंदों के दरमियान सुलह सफाई कराने के। तो आज था ऑटम ब्रेक का आखिरी दिन और मैंने अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए बनाई अपनी फेवरेट मटन पुलाव। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो मैंने मटन पुलाव बनाई 3 ग्लास चावलों के साथ, यानी 750 ग्राम्स राइस, उतना ही मैंने मटन भी लिया। ये यखनी पुलाव है तो पहले हम यखनी तैयार कर रहे हैं। ये सारे अज्जा यखनी में शामिल होंगे। क्वांटिटीज आपके सामने हैं, सौंफ, साबुत धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, साबुत काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, कड़ी पत्ता, बादियान का फूल, एक बड़ी प्याज, 10 अदद लहसुन के जवे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम यखनी तैयार कर रहे हैं। एक देगची लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे, उसमें तकरीबन 8 ग्लास पानी शामिल करेंगे, मटन शामिल करेंगे और वो सारे अज्जा जो अभी दिखाए थे, खड़े मसाले, लहसुन, प्याज और 1 टीस्पून नमक, ये सब कुछ इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसमें एक बॉईल आने देंगे, फिर उसके बाद हम देगची का ढक्कन ढक के हल्की आंच पे मटन को बॉईल होने देंगे जब तक वो अच्छी तरह से टेंडर नहीं हो जाता। 1 घंटा लग गया था, मटन पर भी वैसे डिपेंड करता है। तो यखनी और चावलों का हिसाब ये है कि जितने चावल आपने इस्तेमाल करने हो उसकी डबल क्वांटिटी से ज़रा सा हाथ रोक के हमें यखनी चाहिए होती है। जैसे कि 3 ग्लास चावल मैं यूज़ कर रही हूँ तो उसका डबल हुआ 6, तो 5.5 यखनी के ग्लास मुझे चाहिए क्योंकि दम भी लगाना होता है ना, तो इसलिए 6 की बजाय 5.5। अगर यखनी कम रह जाए तो आप उसमें पानी ऐड करके फिर उसको शामिल कर दीजिएगा। ये देखें, 1 घंटा हो चुका था, मटन टेंडर हो चुका था, यखनी रेडी है। फिर मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया क्योंकि हमें सिर्फ यखनी और गोश्त चाहिए, बाकी चीज़ों को हम सेपरेट कर देंगे। मटन ने अपना काफ़ी फैट भी रिलीज़ किया था। बीफ या मटन के साथ हम जब डिश बनाते हैं कोई, तो बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि दोनों गोश्त अपना काफ़ी फैट रिलीज़ करते हैं। तो चलें अब अपना अगला स्टेप स्टार्ट करते हैं। एक देगची लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे, 1/2 कप ऑयल का ऐड करेंगे, साथ में 1 प्याज स्लाइस करके डालेंगे, खड़े मसाले ऐड करेंगे अपने मटन को फ्लेवर देने के लिए। अब प्याज को हमने फ्राई करते हुए वो कलर लेकर आना है जो कलर हमें अपनी पुलाव के लिए चाहिए, ना डार्क ना बिल्कुल सफ़ेद, लाइट गोल्डन ब्राउन सा हमको कलर चाहिए। स्टिर करते रहेंगे ताकि इवन कलर आए। जब प्याज ब्राउन हो जाएगी तो इसमें हम डालेंगे मटन, इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे उस ऑयल में जिसमें पहले ही फ्लेवर आ चुका है खड़े मसालों का। जब हम मटन को फ्राई कर लेंगे तो उसके बाद इसकी भुनाई करेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट के साथ। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। जब मटन की भुनाई हो चुकेगी
अदरक लहसुन की पेस्ट के साथ। तो हमने इसमें डालना है नमक और काली मिर्च। नमक अगर आपको कम लगेगा तो बाद में और भी डल सकता है। इसकी भी भुनाई करके फिर हम शामिल करेंगे यखनी। जब यखनी में बहुत अच्छी तरह से बॉईल आ जाएगा फिर हम चावल डालेंगे। नीम गर्म यखनी में या ठंडी यखनी में हम चावल बिल्कुल नहीं डालेंगे। चावल डालने के बाद फिर जब यखनी में एक दफ़ा बॉयल आएगा तो उस पॉइंट पे हम अपना नमक चेक कर सकते हैं। अगर हमें लगे नमक हल्का है तो हम ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पहले डाल लें, थोड़ा बाद में डाल लें, इस तरह से कर सकते हैं। फिर हम वेट करेंगे यखनी के ड्राई होने का। जब हो जाएगी तो फिर हम दम पे लगाएंगे। तवा रखेंगे देगची के नीचे, पहले फुल फ्लेम कर देंगे ताकि तवा अच्छी तरह से गर्म हो जाए, और फिर जब वो गर्म हो जाएगा तो लो फ्लेम कर देंगे। टोटल दम हमें लगाना है 20 मिनट का। पहले तेज़ तवा करके 2-4 मिनट के लिए, फिर बिल्कुल लो फ्लेम पर। ये देखें 20 मिनट के बाद पुलाव बिल्कुल तैयार है। तो पुलाव का बेस्ट फ्रेंड है ज़र्दा, हमने वो भी साथ बनाया था। दोनों साथ हों तो बड़े अच्छे लगते हैं। आप भी बनाइएगा मटन पुलाव और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।